हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, नीचे मेरे क्लच का यूसेज आप देख सकते हैं। तो ये फ्री रोड है अभी, जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से आप क्लच प्रेस करें और किस तरह से गियर शिफ्ट करें। और साथ ही साथ आप मेरे राइट फुट को देख सकते हैं, उसमें मैं एक्सीलेटर के साथ क्लच ब्रेक का किस तरह से यूज़ ले रहा हूँ और एक्सीलेटर कितनी प्रेस कर रहा हूँ। अभी आप मेरे क्लच का जो यूसेज है वो देखिए फ्रेंड्स। तो ये मैं क्लच सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मेरे को ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, ना ही कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ मुझे स्लो डाउन करनी है। तो ये फ्री रोड है तो मैं सिर्फ क्लच यूज़ कर रहा हूँ खाली अपने गियर शिफ्ट करने के लिए। और आप देख सकते हैं अभी मैंने क्लच से पूरी तरह से लेग हटा रखा है। क्लच में आप कभी भी लेग ना लगाएं ऑल टाइम। अगर आपकी कार आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने गियर शिफ्ट कर लिया है, तो क्लच से पूरी तरह से लेग हटा लें। आप अपने डेड पेडल पे रख सकते हैं, जहां लेफ्ट में आप देख सकते हैं मेरा फुट है अभी। तो अगर आप आगे देख रहे हैं जैसे मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ कार को और क्लच किस तरह से प्रेस कर रहा हूँ, और मेरे को जब भी नीड पड़ रही है तो वापस से मैं लेग अपना क्लच की तरफ कर रहा हूँ अगर मुझे स्लो डाउन करनी है। या अभी आपने देखा जैसे ब्रेक की नीड पड़ी थी तो मैंने सिर्फ राइट लेग अपना मूव किया और ब्रेक को प्रेस किया, उस समय मैंने क्लच पे बिल्कुल भी लेग नहीं लगाया क्योंकि मेरे को उस समय नीड नहीं है। क्लच आप सिर्फ उसी समय प्रेस करें जब आपको लगे या तो आपकी कार बंद होने वाली है, या आपको जर्क लगे, या आप जो RPM है डाउन हो रहा है, सिर्फ तभी आप क्लच पे प्रेस करें ताकि आपकी कार जो है ऑफ, इंजन ऑफ ना हो चलते हुए। और अदर देन डैट आप सिर्फ गियर जब शिफ्ट करें तभी आप क्लच या यूज़ लें। और क्लच रिलीज जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देखिए क्लच को बड़े आराम से मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। अगर आप एकदम से झटके में रिलीज़ करेंगे तो कार में जर्क फील होगी और जो बैठे हैं आपकी कार में उन्हें एक अनकम्फर्ट राइड लगेगी, आपकी ड्राइविंग को भी जज कर सकते हैं वो। तो आप जब भी क्लच रिलीज़ करें किसी भी गियर में हो, क्लच को जड़ा आराम से रिलीज़ करें, और एक जो बाइटिंग पॉइंट आता है वो अगर आ जाए तो उसके बाद पूरी तरह से छोड़ दें। आप ये वीडियो देखिए, आपको बाइटिंग पॉइंट भी दिखाऊंगा और मैं फर्स्ट गियर में किस तरह से कार को आगे आप पुलअप करते हैं उसका भी दिखाता हूँ वीडियो में, इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए पूरी देखें, लाइक ज़रूर प्रेस करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं आपको जैसे कह रहा था कि क्लच से रिलेटेड है ये वीडियो। तो आप मेरे लेग में जैसे आप फुट पूरा मूवमेंट देख सकते हैं, तो मैं एक्सीलेटर में लेग बहुत हल्के से रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ मैं एक्सीलेटर को, ताकि आपकी कार की माइलेज अच्छी मिलती रहे। तो ये माइलेज जो है आपको क्लच पे भी डिपेंड करती है। अगर आप क्लच बार बार प्रेस करेंगे और आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं, आप अचानक से पैनिक होके क्लच प्रेस करते हैं, या आप अभी सीख रहे हैं, तो बहुत जगह ये होता है कि आप ड्राइव करते वक्त क्लच पे आपका बहुत ध्यान रहता है, आप पैनिक होके हमेशा क्लच पहले प्रेस करते हैं। तो ये चीज़ ना करें, इससे आपकी क्लच प्लेट भी जलती है। तो आपकी कार जो है कुछ महीनों के अंदर ही क्लच प्लेट इस तरह से आपकी बर्न होगी, तो आप कार आपकी पिकअप नहीं आएगी, माइलेज बहुत ख़राब आने लगेगी आपकी कार की। तो क्लच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर जो मैं बता रहा हूँ आपको ड्राइविंग के लिए। तो अभी आप देखिए थोड़ा सा बिजी रोड आता है या टू वे लेन आती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्लच किस तरह से यूज़ लेना चाहिए। और मैं जब कार स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट गियर में कार को पुलअप करता हूँ, तब मेरे को क्लच का यूज़ कैसे करना चाहिए। तो अभी ऐसे ही मैं रेड सिग्नल में हूँ, मैं कार फर्स्ट गियर में थी। तो आप 10 सेकेंड अगर कार कहीं भी खड़ी कर रहे हैं, 10 सेकेंड से ज़्यादा, तो आप न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपके लेग में प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। आप ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं या कहीं भी, तो आपके लेग में प्रेशर क्रिएट नहीं होगा ऐसा, तो आप जर्नी आराम से कर सकते हैं, आपको टायर्डनेस फील नहीं होगी। तो मैंने अभी सेकेंड गियर लगाया है और मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दी। आप देख सकते हैं मेरा लेग जो है डेड पेडल पे है, क्लच पे बिल्कुल भी लेग नहीं रखा मैंने। बहुत जन क्या करते हैं, क्लच पे लेग रख के ही हाफ क्लच में ड्राइव करते हैं, इससे आपकी कार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है
और क्लच प्लेट आप मतलब जितनी भी नई कार हो, अब मैं बताना चाहूँगा आपको, 1 महीने मैक्स 2 महीने के अंदर आपकी क्लच प्लेट पूरी जल जाएगी, मतलब बर्न आउट हो जाएगी। ये एक मतलब मैकेनिकल वर्ड है जो हिंदी में बहुत ही मैकेनिक्स यूज़ करते हैं कि आपकी क्लच प्लेट जल गई है। उससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है क्लच प्रेस करने से, तो अगर आप ड्राइव करते हो क्लच प्लेट क्लच अपना प्रेस करके रखते हैं, तो फ्रिक्शन जो है इस तरह से होता है कि क्लच प्लेट आपस में फ्रिक्शन स्टार्टअप करती है, तो वो प्रेस होता रहता है और आपकी कार मूव हो रही है तो वो आपस में घिस के जो है क्लच पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो आप क्लच हल्का सा जब रिलीज़ करें, बाइटिंग पॉइंट आपको मिले, तो आप पूरी तरह से उसको रिलीज़ करके अपना लेग हटा लें अपने क्लच से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने कहा आपको, ये देखिए अभी मैं स्टॉप कर लिया हूँ, मेरी कार न्यूट्रल में है, मैंने कुछ फुट मूवमेंट कुछ भी नहीं है मेरा, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्लच प्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर लगाया मैंने, अब मैं एक्सीलेटर देखिए पूरी तरह से मूव्ड है, एक्सीलेटर में मेरा लेग बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्लच को बड़े धीरे से रिलीज़ करूँगा, बहुत ही आराम से, जब मेरी कार मूव होने लगेगी। अभी देखिए मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया है और मेरी कार ज़रा सी मूव होने लगी है। ये होता है बाइटिंग पॉइंट, ये होता है क्लच का बाइटिंग पॉइंट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ क्लच आपके कार को, कार के व्हील्स को पावर प्रोवाइड करता है। तो क्लच आप जैसे ही रिलीज़ कर रहे हैं तो आपके इंजन की जो रिवॉल्वेशन है वो आपके व्हील्स तक जाती है वो पावर, अगर आप क्लच रिलीज़ करते हैं तो वो जो बाइटिंग पॉइंट है, अगर आप उस पॉइंट पे आते हैं तो उसके बाद क्या आपकी कार मूव होने लगती है। ये देखिए, ये मैं क्लच धीरे से रिलीज़ करता हूँ तो ये बाइटिंग पॉइंट मेरी मेरे को मिल गई। ये अगर आप हैबिट बना लेते हैं अपनी कार में, बाइटिंग पॉइंट मिलते ही आप कार से क्लच को रिलीज़ कर सकते हैं पूरी तरह से। ये देखिए मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो एक्सीलेटर मैं अब प्रेस करना स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरे को RPM इंक्रीज़ करना है और कार को मूवमेंट थोड़ी सी रखनी है, तो मैं ज़रा सा एक्सीलेटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मेरी कार 10 या 15 की पिकअप आएगी तो मैं क्लच प्रेस करके सेकेंड गियर लगा दी हूँ। फिर से मैं क्लच बड़े स्लोली रिमूव करूँगा अपना लेग क्लच से, ताकि आपकी जो कार मूव हो रही है वो एक मोमेंटम में मूव हो, आपकी कार में जर्क फील नहीं हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को जर्क कैसे फील होता है। ये मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए ये ऐसे करने से जर्क आगे जो बॉडी है वो आगे भी जाती है, लिफ्ट होती है, वापस से बैक होती है, तो इससे अनकंफर्ट लगता है। तो आप क्लच जब भी रिलीज करें पूरा एकदम से झटके में या जर्क करते हुए रिलीज नहीं करें, आप बाइटिंग पॉइंट अपनी कार का समझ लें, तो ये बहुत ही आपको स्मूथ राइड देगी, साथ ही साथ आपके जो गियर हैं वो स्मूथली शिफ्ट होंगे। और दूसरी चीज़ जो है, आप अपने क्लच को बर्न होने से बचा सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी कि आपके क्लच में प्रॉब्लम कभी हुई हो। इनफैक्ट क्लच ऐसा है कि अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको 30,000-40,000 किलोमीटर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आराम से आपकी क्लच प्लेट चलती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए बनाई थी मैंने कि आपको क्लच के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्लच किस तरह से यूज़ करते हैं, इनफैक्ट क्लच आप यूज़ कर रहे हैं कार को स्टार्ट करते हुए, कार से आगे बढ़ाने से लेके ड्राइविंग जब आप कर रहे हैं, जो आप बिजी रोड में ड्राइव करते हैं उसकी एक सेकंड पार्ट में ये वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें आप बिजी रोड में ड्राइव करेंगे क्लच का यूज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।